पूर्णिया का इलाका चाय के बगान है, चाय के बगान है हमारे यहाँ, चाय के प्रोसेसिंग होने लगे। पहले हम लोग सारे बंगाल आसाम, अब अपने यहाँ प्रोसेसिंग पैकेजिंग हमको पीछे होने की कोशिश करें। जल जमाव क्षेत्र के लिए बलदान साबित होता है, जहाँ पे कोई जल जमाव कुछ नहीं होता है। मकान अगर हम एक फीट पानी से लेकर 7-8 अभी बिहार में कई जगह जल जमाव होता है, उसको कर लेते हैं। खेत में भी अपने खेत में बना लीजिए, खेत में 2 फीट गड्ढा खोदा और सर मकान पहले 5-6 फीट गड्ढा क्यों ये पॉक है हमारे ये सीट से सर, इसका प्रोसेसिंग अभी तक मैनुअली हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट अगर हम सबसे मेहनत करता हूँ, तोड़ नहीं पड़ता इसमें जमीन में, पानी में आदमी जाता है सर, जाकर तोड़ता है, अंदर जाकर निकालता है, बस सब कांटे वाले पेड़ है, गुच्छा बन जाता है। हाँ सर, ये फल है, वैसा फूल होता है सर, हट जाए है ना सर, वो फ्लावर वैसा तोड़ देते हैं, ये सूख भी जाता है। यहाँ की उपलब्धियों और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा भी की है। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्रों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मक्का यहाँ बड़े व्यापक पैमाने पर अब जिसका उत्पादन भी बहुत अच्छा उगाया जा रहा है, और इथेनॉल के प्लांट बिहार के किसानों को ठीक रेट मिले इसमें भी मदद कर रहे हैं। बिहार का मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है, और हमारे किसान मेहनत करके मखाने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मखाना जो उत्पादित होता है उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं, और इसलिए भारत सरकार एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था यहां से बनाने में कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के साथ चर्चा करके मखाने का एक्सपोर्ट के लिए जो आवश्यक कार्यालय और केंद्र की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेगा। बिहार में चाहे यहां का शहद हो, कतरनी चावल हो, मगही पान हो, सब में अनंत संभावनाएं। कृषि के जो रोड मैप बने उसका चतुर्थ रोड मैप कृषि मंत्री जी ने बनाया, वो प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ चीजें उन्होंने जो उपलब्धियां उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं सरकार को बधाई देता हूं, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद हम लोग उतरी, और ये मैं करता आ रहा हूँ, और जब गेहूं का जब खेती से इंजीनियरिंग और MBA किया हुआ है, 15 साल US की कंपनी MNC में काम किया है। सारण जिला का किसान हूँ मैं, अपना सरसों बीज। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने किसान की सेवा का सौभाग्य मुझे दिया है, और किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये काम नहीं है, मेरे लिए पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के किसानों का और कृषि का कल्याण कर सके। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, और उसके लिए वो 3 गुना ज्यादा और तेज गति से काम करेंगे। तो हमारे मन में भी एक संकल्प पैदा होता है कि प्रधानमंत्री जी अकेले काय को करेंगे।
हम भी पूरी ताकत से काम करेंगे, लेकिन विकसित भारत विकसित खेती और समृद्ध किसान के बिना नहीं बन सकता। इसे हमको पूरी ताकत से काम करना पड़ेगा। मैं बिहार की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहता हूं। लगातार खेती की और किसानों के कल्याण के काम में लगे हैं। और लोग जाए और आईटी करें और हम स्वागत संबोधन के लिए आगे बढ़े। सब माननीय कृषि मंत्री जी, यहाँ उपस्थित विभाग के तमाम पदाधिकारी जन, विभिन्न संस्थानों के विभिन्न ये आज बिहार के लिए अत्यंत ही मंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय कृषि मंत्री जी लगातार ऐसा प्रयासरत रहते हैं। आज हमारे बीच में बिहार के सभी आज के इस कार्यक्रम के लिए और माननीय मंत्री जी के विजिट के लिए उनका विशेष धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं बिहार के कृषि मंत्री जी को, मंगल पांडे जी को। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व